मुझे जितना जल्दी हो सके वीरांचो के साथ क्या हुआ है वो जानना है, और सब कुछ पहले जैसे करना है उसे पहले जैसा करना है। मेरी मदद कीजिए विकच, मेरे पति के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है, पर वो क्या है और वो कौन कर रहा है मुझे मुझे कुछ नहीं पता। बोलो रहोगे ना मेरे पास तुम? मैं जैसा था मैं वैसा बन सकता हूँ। हाँ, पहले दिन से लेकर अब तक हमारे बीच में कुछ नहीं था, जो था बकवास था, झूठ था सब कुछ। तुम मेरी कोई स्वीटहार्ट विठहार्ट कुछ नहीं हो। अब अगर अपनी और इंसल्ट नहीं करानी तो दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। वीरांचू तुम पागल पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? क्या झूठ झूठ था मतलब? मुझे खुद नहीं पता, शायद इतने दिनों से मैंने एक बार भी साफ साफ अपने दिल की बात उससे नहीं कही। मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, शायद इसलिए वो मुझसे नाराज हो गया। पर मीरा दी मैं कैसे करती, मैं कैसे बोलती? हम नागों और चीलों की दुश्मनी सदियों पुरानी है, ये सोचना चाहिए था ना उसे। मुझे तो बस थोड़ा सा वक्त देते था वो। हाँ, और इतनी बड़ी बात वो इतनी आसानी से कैसे कह सकता है? मीरा दी कोई इतनी बहरहमी से किसी को इतना मारता है क्या? जब मैं मार रहा था तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। जब मैंने मार खाना शुरू किया उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसकी स्माइल को देख मैंने आज तक जो नहीं किया था वो मैंने किया। मेरे छूने से कहता हूँ तुम्हें, एक दिन खुद तुम मुझे छूना चाहोगे, मेरे करीब आना चाहोगे। वो क्या कि प्यार एक तरफा होता है बट शादी नहीं, इट्स अ टू वे स्वीट। अब तो मानोगे ना कि हमने इस रिश्ते में कितना प्रोग्रेस कर लिया है, असली शादी हो गई हमारी। और एक दिन ऐसे ही तुम सच मुझसे प्यार कर बैठोगे। पागल हो गया तू? तू एक आदमी नागिन को बचा रहा है? अपनी बीवी को बचा रहा हूं डैड। सब कुछ झूठ था, पहली मुलाकात से सब कुछ। बीरती कल पहली बार मैंने अपने दिल की बात उससे कही। पहली बार हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, वो पूरी तरह मेरा था। और मैं अपने दिमाग चुकी, फिर उसने मेरा दिल क्यों दुखा, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? पहले दिन से लेकर अब तक हमारे बीच में कुछ नहीं था, जो था बकवास था, झूठ था सब कुछ। उसने कहा कि हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं झूठ के सिवाय, जिसे मैं प्यार समझूं। मानी तू मेरी बात सुन, क्या तुझे महसूस हुआ कि वो सब झूठ था? हाँ, पर उसे क्या फर्क पड़ता है मेरा भी? क्या फर्क पड़ता है? विराशो ने तो साफ साफ कह दिया ना, उसने खुद कहा है कि फिर मैं वो अनसुना करके अपनी दिल की कैसे सुनूं? मैं तुम्हें कभी दोबारा कभी झूठ नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं सकते, अगर होते तो मुझे पता चल जाता। मीरा दी मुझे वीरांचू की होने में भली देर लगी, लेकिन वीरांचू मेरा बहुत पहले हो चुका था। तो मैं उसमें ऐसे कैसे शक कर सकती हूँ, कैसे मान सकती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है? इसे मैं कह रही हूँ कि कोई गड़बड़ जरूर है, वीरांचू अपने आप में नहीं है। बदतमीज, बदजुबा, बेरुखा, ये सब कुछ बिल्कुल वीर जैसा साउंड करता है बानी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरे साथ नहीं रहा, और इतनी नफरत से वीरांचू ने कभी मेरे साथ नहीं बात की। हो सकता है वीर भाई ने ऐसा किया हो, पर क्या पता वाकई में उनसे प्यार नहीं रखी।
पानी सही कह रही। हाँ पीरस से बहुत प्यार करता है, मैंने देखा है, मैं जानती हूँ। मीरा दी मुझे पता करना होगा कि आखिर विराजो को हुआ क्या है। हम ये पता करेंगे कैसे? विकच बताएगा। कौन? हाँ ओरेकल, वो एक पवित्र आत्मा है, सिद्ध आदमी, उसे भूत वर्तमान भविष्य में क्या होने वाला है सब पता है उसको। हम चीर उस तक पहुंच सकते हैं, कम से कम मैंने ऐसा कहानियों में सुना है, और उसे हम पे विश्वास हुआ तो वो हमारी मदद जरूर करेगा, बहुत ही महान आत्मा है वो। तो तपस्या हम देर नहीं करते, प्लीज आप चलिए, मुझे उसके पास ले चलिए प्लीज। हाँ ठीक है, हम चलते हैं उसके पास। मैं भी चलूंगी। मैं भी चल रहा हूँ, कम ऑन। लेकिन किसी को तो विरांचो के साथ रहना होगा, वो आ गया है ना? हाँ भाई कुछ देर पहले ही घर आए और आते सीधा बिस्तर पे ढेर हो गए। वैसे कल रात हुआ क्या था? बाढ़ आई थी, इन दोनों की मेहरबानी से होटल से कॉल आया था। इन दोनों ने पता नहीं क्या किया यार, आग लगा दी और वहां के फुहारे खुल गए, सब कुछ पानी पानी हो गया। प्लीज तुम दोनों विरांचो के साथ रहो और उसे कहीं जाने मत देना, प्लीज मेरा साथ दो। तुम विरांचो के भाई हो ना, तो उसकी भलाई इसी में है, प्लीज। ठीक है ओके। अबे अपना यही काम रह गया क्या चौकीदारी का? पहले ताई पे नजर रखनी थी और अब वीर भाई पे। तेरी शक्ल भी दरबान वाली है, चल रूम में चलते। आजा। बानी, ये है विकच की गुफा। वो अभी अंदर होंगे, हमसे बात कर सकते हैं। तो एक नई तिलस्मी गुफा है। बानी हम इससे आगे नहीं जा सकते। पर वो है कहां? वो विकच? वो तभी आएंगे जब उन्हें लगेगा कि हम उनसे मिलने के लायक हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ, वो विकच, वो ज्ञानी, वो जो भी है, उन्हें भेज दो, मेरी मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए भोलेनाथ। बानी, कभी कभी आने में ज्यादा वक्त भी लग जाता है। तपिश भाई वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, मुझे जितना जल्दी हो सके विराजों के साथ क्या हुआ है वो जानना है, और सब कुछ पहले जैसे करना है उससे पहले जैसा करना है, वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे बुलाते हैं, लेकिन मैं हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए विकच। मेरे पति के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है, पर वो क्या है और वो कौन कर रहा है मुझे कुछ कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास है, मुझे अपनी शादी पे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मदद कीजिए विकच, मेरी मुश्किल को दूर कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बानी, मुझे नहीं लगता कि वो आ रहे हैं। रोड़े ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे, चलो यहाँ से। बानी, बानी उठो, बानी ये लोग सही कह रहे हैं, अब यहाँ समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, चल चलते हैं यहाँ से। नहीं पर कोई और तरीका तो होगा ना, कोई और रास्ता, मैं कुछ तो कर पाऊंगी तपिश भाई। हाँ, ढूंढेंगे ना कोई और रास्ता, ढूंढते हैं, फिलहाल चलते हैं। पानी पीकर जा रहे हैं।
क्यों आई हो मेरे पास नागेश्वरी? तेरी दिन में रात हो गई। आजा आजा। ओह नो, ये कैसे हुआ? आज आज कोई ग्रहण है क्या? यार लगता तो है, तभी तो दिन में रात हो गई। वैसे वैसे साले बातियां क्या ले रहा है? सच में रात थोड़ी हुई है, सिर्फ अंधेरा हुआ है। वीर भाई पे ध्यान लगा। ध्यान? वैसे सुनना, बैग देख को बुला ले, ध्यान अच्छे से लगेगा। इडियट। वो अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग करने गई है। शॉपिंग? हाँ। अबे यार ग्रैंड में कौन शॉपिंग करता है? अबे चल। वीराज जागो, आजा आंखें खोलो। क्या हुआ? भौहें क्यों चढ़ गई? ये तुम ही तो हो ना नागेश्वरी, सतयुग से आई आदि नागिन, चीलों की कट्टर शत्रु तुम ही तो हो ना वो। सोच के अजीब लगता है ना कि तुम चील की ब्याहता कैसे हो गई, जबकि तुमको तो एक नाग की होना था। वो हालात कुछ ऐसे थे कि हालात की नहीं, शादी की बात करो, वो तो एक नाग से होनी तय थी ना जी। लेकिन मुझे लगा था कि उसे कुछ हो गया, उसे जिंदा नहीं बचाए। फिर भी तुमने एक चील से ही शादी क्यों की? अपने बदले के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि जो कुछ भी है उसका दोषी विरांचू है। लेकिन ऐसा था नहीं, उसने कोई जुर्म नहीं किया, शायद इसलिए किस्मत का लिखा हो गया और मेरी शादी विरांचू के साथ हो गई। पर उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी, तुम्हें उस पे हमला करके उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए था, है ना? नहीं, वो हालात कुछ ऐसे हालात, परिस्थितियां, घटनाएं, हादसे, ये सब बहाने हैं। तुम मुद्दा खो रही हो नागेश्वरी। मतलब? मतलब इन सबसे बड़ा भी कुछ है, हमारी इच्छा स्वतंत्रता है। और किस्मत? ओ हाँ, किस्मत तो कपट करती है, लेकिन अगर कोई सावित्री बन जाए तो वो उसे भी निपट लेती है। इतनी मजबूत इच्छा शक्ति थी सावित्री की, जो जब ऊंची उड़ान का हौसला कर लेती थी तो आसमां का कद नहीं देखती थी। याद रखो, विकल्प बहुत से मिलेंगे राह भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए सोचो आदि नागिन, सोचो तुम्हारा संकल्प क्या है, सोचो। पहले कहा था फ्रॉड है, कुछ नहीं। यहाँ पर पता नहीं क्या बक्के चला गया। क्या करें, उन्हें दोबारा बुलाने की कोशिश करते हैं। चलो जल्दी चलो, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। बानी ओए वीर भाई, वीर भाई जी। बड़े बाबा, भाई रुको, भाई। वीरा, चले एक एक ड्रिंक पीते हैं। चले आ जाओ।
सॉरी भाभी, वो एकदम से पता नहीं क्या हो गया, दिन में रात हो गई थी, वीर भाई सीधा उड़ते ही निकल गए। हमने पीछा करने की कोशिश भी की लेकिन हाथ में नहीं आया, ये दक्ष गया भी था। भाई ने इतनी ऊंची उड़ान भरी कि मैंने ट्रैक ही खो दिया, मैं इतनी ऊपर उड़ ही नहीं पाया। गाइस ये हो क्या रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ दिन में रात वाला चक्कर क्या है, सब हुआ कैसे? वीरांशु, वीरांशु, तुम आ गए, स्वागत है तुम्हारा। आसमान में फैली इस जमीन पर स्वागत है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें याद नहीं हूं, ध्यान से देखो। याद आया? आएगा, याद आएगा। आया? टिम टिम टिम। ये तारे सितारे, ये खूबसूरत नजारे, चील के राजकुमार आया है चांद की राजकुमारी के घर। अब दोनों लेंगे हाथों में हाथ और नाचेंगे सारी रात। टिम टिम टिम, तारे सितारे, ये खूबसूरत नजारे, और अब तुम्हारे सारे सारे सपने हमारे। चांदनी, वीरांशु, तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, मैं चांदनी हूँ। मैंने तुमसे कहा था मैं यही चांद पर रहती हूँ, और यहीं पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी ताकि एक दिन तुम और मैं एक हो जाएं। छिल मिल सितारों के बीच, बादलों के पीछे, जहां तुम्हें कोई न ढूंढ पाए, बोलो रहोगे ना मेरे पास? तुम रहोगे ना? गठबंधन पूरी तरह संपन्न हुआ। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। यजमान, फेरों का वक्त हो गया है, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। लो आगे। We'll be right back.
क्या हो रहा वीर भाई के साथ? वीर खुद में नहीं है, नहीं तो वो कभी ऐसा बिहेव नहीं करता। वैसे ही है वो, बदतमीज घमंडी सिर फिरा। मैं तो पहले कहता भानी से। ए, चुप रह, तू वीर भाई से जलता है, हम सब जानते हैं। हाँ, जलता है ये, क्योंकि वीर भाई इसकी बोलती बंद करा देते हैं। बताता हूँ तेरी बोलती। जय, भानी तुम भी उसकी तरफदारी मत करना। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, और जो तुम बोल रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन वीरांशु सच में ऐसा नहीं है, वो बस ऐसा दिखाता है दुनिया के सामने, बस ऐसा बनता है, वो है नहीं ऐसा। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। हाँ पता है, उसकी पत्नी हूँ मैं, बीवी हूँ मैं उसकी। इतना तो हम भी जानते हैं कि वीर बानी से कितना प्यार करते, कितना चाहता है उसको। ये बात खुद वीर ने मुझे कही। रियली? तो फिर उसने बानी के साथ। दरवाजा खुला है। तू कौन है बे? सर ये मेहंदी के फोटोज। नीचे वापिस जा। पर सर ये ऐसे नहीं मानेगा। साड़े, इसके मुंह पे ही मेहंदी लगाऊंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है वैसे क्यों कर रहा है? वही पता करना है। ए, इसे यहां रख, उड़ जा। मैं तो पिटके जाता। अभी आई मीरा दी। क्या हुआ? ये वीर की आंखें, ये रूप बदलता है तो ऐसी हो जाती है? नहीं मेरा दी, ऐसे तो कभी नहीं होगा। क्या हुआ, इतना अच्छा है क्या बच्चा? नहीं शायद तुमने अनजाने में कहा, लेकिन सच कहा। ये पहले की फोटो है और ये तब की है। चांद की किरणें फिरांचो पे पड़ रही हैं। ये देखो, फिरांचो पे किसी ने जादू टोना किया। इसका मतलब कि चांद लेकिन ये सब चांद से कैसे जुड़ा है? बानी मीरा दी, मुझे कुछ देर अकेला रहना, कुछ सोचना है मुझे। हाँ, पर हो तुम और वो तस्वीरें, इसका मतलब कल तुम अपने आप में नहीं थे और आज सुबह भी नहीं। ये स्विट्जरलैंड का है, वो जगह जहां मैं तुम्हें एक दिन जरूर लेकर जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा स्विट्जरलैंड क्यों, जब बर्फ मनाली में भी गिरती है। पानी शर्मा, तुम कहीं बाज नहीं आओगे। मैं रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कि मतलब मेरे हार्ट शेप गुब्बारा जो उड़ रहा है तुम उसे फुस कर देते हो और हंसते भी उसके बाद। मैं तुम्हें ना पहले कह चुकी हूँ, तुम मुझे ना इंप्रेस नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लो। अच्छा तो बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ, बताओ बताओ, कारण बता दो। अरे हम सीरियस बताओ ना यार, मैं कितनी कोशिश कर चुका हूँ, मतलब तुम्हें पूल, फूल, सरप्राइज डिनर पार्टी, प्रॉपर्टी के पेपर्स तक मैंने कदमों पर रख लिए, लेकिन तुम नहीं पिटे। और अब स्विट्जरलैंड से भी तुम, मतलब तुम नहीं जाना चाहते, तुम चाहते क्या हो? जो मुझे चाहिए तुम नहीं दे पाओगे। मैं सब दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी लेके जा सकता हूँ, तारों पे, चांद पे, कुछ भी। एक मिनट, चांद पे? रियली? तो बस फिर मुझे चांद पे ले चल। क्या हुआ? हार्ट शेप फुस, लैंडिंग नहीं हो पा रही? मैंने क्या कहा था, जो मुझे चाहिए ना तुम नहीं दे पाओगे। मैं कर सकता हूँ। चांद तक जाना है? चल दूंगा, पहुंच है मेरी। रामचंद्र ने कहा था कि वो चांद पे किसी को जानता है। चांद नहीं, क्या? जहाँ तक मुझे याद है तुम चांद को छोड़कर जा रही थी ना। मैं आसमान की राजकुमारी हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ, पर अब मैं वापस आ गई हूँ। क्यों, कोई खास वजह? वजह मुझे याद नहीं रहती, वो सब छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चांद की सैर कराती हूँ, चलो मेरे सर, साथ। मतलब खैर नहीं।
ये कौन सी जगह है? ये सितारों का महल है, इसे कामना का महल भी कहते हैं। यहाँ जो मांगो सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सच में? मांग के तो देखो। मुझे खाना चाहिए मांगरी। बस Fantastic. Nice. और क्या चाहिए? और सोने के सिक्के कितने चाहिए? उस टेबल पे आ सके सोच लो, कमरा भर के भी मांग सकते हो। तुम्हारी तरह लालची नहीं हो, क्या करूं? ये सब तुम्हारा है। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, मैं तो बस खुल जा सिमसिम को आसमान रहा था। तो गलती कर रहे थे वीर, क्योंकि आसमान की ताकत की कोई सीमा नहीं होती, ये असीम है। ये समंदर है और इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं, ये असीम है। कहाँ खो गए वीर? अब जब तुमने ये सब देख ही लिया है, अपनी मुंह मांगी मुराद पूरी कर ली है, तो क्या तुम यहाँ रहोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जब राजकुमारी खुद शादी के लिए हाथ बढ़ा रही है तो भला कोई ना कह सकता है क्या? ले गए हो तुम? फुर हो गया है। तुमने सुना नहीं दक्ष पंकी ने क्या कहा? वो आसमान में उड़ गया है। मैं जानती हूँ, फिराज जो बहुत ऊपर उड़ने लगा और दक्ष उसे पकड़ नहीं पाया, उसे मैं ढूंढ नहीं पाया, उसका पीछा नहीं कर पाया। देखो वाली, मैं जानता हूँ तुम सोच रही होगी कि मैं कैसी बेरुखी बातें करता हूँ इन लोगों के बारे में, पर मुझे तुम्हारे सच में चिंता होती है वाली। तुम ठीक तो हो ना? नहीं जय, मैं ठीक नहीं हूँ। बार बार मुझे वीरांचू की कही बात याद आ रही है। मुझे याद आ रहा है जब वीरांचू ने कहा था कि उसकी पहुंच जान तक है, उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई जान पहचान है वहां पे। इसलिए शायद उन तस्वीरों में चांद की रोशनी वीरांचू पे पड़ी उस रंग में। क्या पता वीरांचू चांद पे हो, ये भी तो हो सकता है, वरना वो इतना ऊंचा क्यों उड़ेगा? वो चांद पे ही होगा, लेकिन क्यों? कौन करवा रहा है उससे ऐसा सब कुछ? क्यों कर रहा है वो? मैं कैसे पता लगाऊंगी? मैं सब कैसे पता लगाऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम पता नहीं कर पाई तो बोलो बानी, क्या होगा अगर वो चील वो फिर तुम्हारे पास लौट के नहीं आया? बोलो क्या करोगी तुम? देख रहे हो? नाराज हो? किसी की याद आ रही है? नहीं पागल, मैं तो ये देख रहा हूं कि उस धरती से चांद बहुत खूबसूरत दिखता है, पर वो धरती यहां से इतनी खूबसूरत नहीं दिखती। हाँ, क्योंकि वहां चांदनी नहीं है ना।
वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ करती क्या हो? हाँ, ये चांद तारों से बातें करना, उछलना कूदना, अपना वक्त गुजारती कैसे हो? यहाँ करने को बहुत कुछ है भैया, ध्यान से देखोगे तो प्यार हो जाएगा। मतलब और भी महल है यहाँ, मौज मस्ती, नाच गाना, खाने पीने की जगह भी है। बहुत बड़ा फैंटास्टिक, असली जीने का मजा पीने में है। सो लेट्स गो डार्लिंग चांदनी, चलो चलो। देखा, मैंने कहा था यहाँ सब कुछ, सब कुछ जो धरती पर है बल्कि उससे कई बेहतर। Scotch, my darling. क्या सोचा? शादी के लिए पूछ रही हो ना? तो ढंग से पूछो यार, जब धरती में लड़के पूछते हैं ढंग से, मतलब घुटनों पे आके सलीके से तरीके से पूछो। पर हम तो आसमान में हैं ना? तभी तो यह सब कुछ उल्टा है। जैसे लड़के पूछते हैं धरती पर, यहाँ लड़की पूछेगी घुटने पे आके सलीके से तरीके से, है ना? Come on, come on. चलो तो फिर ठीक है, आ गए घुटनों पे। अब बोलो वीरांशु सिंघानिया, मेरे बचपन के प्यार, क्या तुम मेरी इस बादशाहत के बादशाह बनोगे? यहाँ ऐशो आराम है, मन मांगी मुराद पूरी हो जाती है। क्या तुम ऐसी जगह पे राज करना चाहोगे? क्या तुम मेरे बन के रहोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यस, यस, यस मैं करूंगा, मंजूर है, क्योंकि मैं पैदाइशी ही ऐसा हूं, मुझे ऐशो आराम की जिंदगी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। तो बताओ चांदी डालिंग, शादी कब है? क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं चांद पे जाऊंगी, अगर मुझे वीरांशु को वापस लाने के लिए चांद पे जाना पड़ेगा ना, तब भी मैं ऐसा करूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पता भी हमें कैसे पहुंचना है? हमें चादरी नाग नागिन है, कोई पक्षी नहीं है, वे झील है, वो इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है, हम नहीं। भाई हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, कोई पेड़ पे चढ़ने की बात नहीं कर रहे, चढ़ेंगे तो चढ़ जाएंगे। लेकिन तुमने जय सुना नहीं विकर्ष ने क्या कहा? क्या कहा? कि सब कुछ हमारी इच्छा शक्ति पे है, सिर्फ वही मायने रखते हैं और कुछ भी नहीं। जब सावित्री अपने पति को बचा, उसका पति सत्यवान था, एक अच्छी आत्मा, और तुम्हारा पति? बस मैं जानती हूँ कि तुम वीरांशु से नफरत करते हो, लेकिन मैं नहीं, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। वीरांशु को सही सलामत तुम्हें वापस लेकर आऊंगी, और मैं ऐसा करके रहूंगी। अब ये तुम पे है कि तुम मेरे दोस्त बन के मेरा साथ देना चाहते हो, या वीरांशु के दुश्मन बन के अपना मुंह बंद करके रखना चाहते हो। आप पहुंचना कैसे, तुम्हें पता भी है? पता तो मुझे ये भी नहीं था कि तुम्हें माफ कैसे करना है, पर मैंने कर दिया। ये भी पता लगा लूंगी। आओ आओ और मुझे आजाद करो, आओ। मैंने मारकाट की मदद की क्योंकि उसने कभी मेरी मदद की थी, और अब उसी मदद के बदले मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मुझे पता था कि तू दिल की बुरी नहीं है,
मुझे मेरा सबक देते ही तू मुझे माफ कर देगी, मुझे आजाद कर देगी। बहू रानी मुझे आजाद कर दे बेटा, मुझे मेरा सबक मिल गया है। तो फिर तुम्हें बाकी सजा नहीं देनी चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। तुमने अपना किया भुगत लिया है ना? हाँ बिल्कुल भुगत लिया है, उससे भी ज्यादा भुगत लिया है। मुझे आजाद कर दे बेटा। अब तो तुझे मौत ही आजाद करेगी, मैं नहीं। चिल्ला और जोर से चिल्ला, और जोर से चिल्ला, इतनी जोर से चिल्ला कि तेरी आवाज इस गुफा के बाहर तक जानी चाहिए, दूर उस समंदर तक, जिसने तेरा साथ दिया, मेरी बहन को तड़पाया, मेरी मीरा दी को तड़पाया। ओ, तो तुझे पता था? देखा तूने कैसे इस त्रिशूल पे लटक के भी कैसे मैंने तेरी सांसें अटका दी। हंस कह रही है, तेरी कोई चाल काम नहीं आई। मैंने पलक भी नहीं झपकाई और सब कुछ पलट के रख दिया, मार काट सब कुछ, सबको बचा लिया मैंने, अपने पूरे परिवार को बचा लिया मैंने। तो यहाँ क्या लेने आई है, अपनी जीत का हार? हार तो आपके हिस्से आई है सासू माँ, उसे आप ही रखिए। मैं तो यहाँ पे इस मायावी गुफा के अंदर जाने आई हूँ, वही मायावी गुफा जिसके अंदर जाने के लिए तुम तड़प रही हो और जिसके बाहर रह के भी तुम तड़प ही रही हो। तुझे क्या लगता है अंदर जाके वीर को बचा लेगी? बिल्कुल बचा लूंगी मैं। गलतफहमी है तेरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तू प्रकृति का नियम तोड़ रही है। इतने सालों से जो चला आ रहा है उसका संतुलन बिगाड़ रही है तू। एक चील और नाग दुश्मन है, और आधी नागिन और चीलों का राजकुमार जानी दुश्मन। हम दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब विरांचू मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा पति है वो। और तुम्हें जितनी कोशिश करनी है ना तुम कर लो, लेकिन हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं पाओगी। कुछ भी हो जाए मैं अपने विरांचू को मौत के मुंह से बचा ले आऊंगी। बचा लेगी या बचाते बचाते खुद मर जाएगी, किसको पता। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मायावी गुफा कि आपने मुझे वो दूर दृष्टि दी जिसके बल पे मैं अपने पूरे परिवार को बचा पाई, सबको बचा पाई मैं। जानता हूँ, लेकिन तुम उस वजह से तो यहाँ नहीं आई हो आदि नागिन। मैं आपसे जब जो चाहा वो मांगने नहीं आ सकती तुम यहाँ। मैं हर मौके पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे नहीं चलता यहाँ। मुझे अपने पति को बचाना है, मुझे चांद पे जाके उन्हें वापस लाना है, मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं इच्छाधारी नागिन। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए मायावी गुफा, ना धन दौलत पैसा रुपया, कुछ नहीं। मुझे बस मुझे अपने पति को वापस लाना है। मेरी बस हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मुझे विरांचु को, अपने विरांचु को बचाने दीजिए। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में, मुझे से बचाने दीजिए। ठीक है, पीछे पलटो। ये सीढ़ियां तुम्हें चांद तक ले जाएंगी। शुक्रिया मायावी गुफा, ये आपका एहसान मुझ पे हमेशा रहेगा।
ऐसा नहीं करते हम, कीमत लेते हैं, चांद तक जाने की कीमत चुकानी होगी। मुझे मंजूर है, मुझे ये सब कुछ मंजूर है। आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, विरांचो की जान के बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, सौदा महंगा पड़ सकता है। मैंने कहा ना, विरांचो के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कोई भी मोल चुकाऊंगी। आप बस बोलिए आपको क्या चाहिए। तुम्हारी आंखों की रोशनी। हाँ, जैसे ही तुम इस सीढ़ी पे अगला कदम बढ़ाओगी अपनी आंखों की रोशनी खो दोगी, लेकिन ये सीढ़ियां चलती जाएंगी, मीलों मीलों दूर ऊपर चांद तक जाएंगी ये। सोच लो, बिना देखे पहुंच पाओगी चांद तक।